अज तो परमात्मा का शुकराना करने वास्ते आए हैं। परमात्मा मेहर कर, श्रोमणी अकाली दल पंथ पंजाब की जथेबंदी है, पंजाबियों की आवाज़ है, परमात्मा सेवा करने का मौका देन। ते जिवें पहले सरकारां दौरान पंजाब तरक्की हुई, परमात्मा आशीर्वाद देन असी वो हो तो वध पंजाब नूं अगे लैके जाइए। ते हुण तुसीं सवाल जो पुछणे पुछ लो। जिहड़े एग्जिट पोल है, मैं लगता किसी भी पंजाबी नूं पुछ लो, किसी नूं यकीन नहीं है। पिछली बार भी आम आदमी नूं 100 दिंदे सी, 20 आईआं। सो इस करके आ जिहड़े एग्जिट पोल है, तुसीं हुणी ममता बैनर्जी का इलैक्शन होया सी, मैं लगता उन्हों 100 भी सीटा नहीं देंदे सी, आईआं 200 दिसदे। कांग अपने बीजेपी नूं मजोरिटी देंदे सी, उन्हां दी 60 आ गईआं। सो जिहड़ा सिस्टम एग्जिट पोल दा आ, मैं लगता बैन होना चाहिए। एक तो एग्जिट पोल बैन होने चाहिए, एक इन्हां दे जिहड़े पहले पोल हुंदे है ओपीनियन पोल, क्योंकि इलैक्शन कमीशन हर चीज़ मॉनिटर कर रहा है कि किसी वोटर ने इन्फ्लुएंस ना किया जाए। पर हुण सरकारां अपना फाइनैंशियल पावर लैके सरकारी पैसे नूं वरत के मीडिया राही ओपीनियन पोल करा के, पेड ओपीनियन पोल करा के इन्फ्लुएंस करना चाहती है। जिहड़ा इस इलैक्शन देखिया बहुत वड्डे पद्धर ते अपने आम आदमी पार्टी ने किया, क्रेडिबिलिटी हौली हौली तुम देखो क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। हुण भी लोग कोई क्रेडिबल सोचते नहीं है, हुण इन्ना सीरीयसली लैंदे नहीं है। ओरिजिनली पहले जो कई साल पहले जो होए सी उदों किरां किरां क्रेडिबिलिटी सोच रहे सी, उहदे बाद खत्म हो गई। सर एक और चीज़ है कि हुण आखिरी दिन है इलैक्शन का, आखिरी दिन काउंटिंग का, अगर कितने कोई चांस अद्दा दे बंदे आ कि टाइम कीता जाए किसी नहीं, हले 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 दसा श्रोमणी अकाली दल BSP अपने दम ते सरकार बनाऊगी। साड़ी जो फीडबैक है बहुत वड्डी बहुमत नाल साड़ी ये साड़ी सरकार बनूगी। जी जी ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 16 17 ਪਲੱਸ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਫਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 20 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। मैं चन्नी साहब नूं बेनती करना, वोटां पै गईआं, ड्रामे करने बंद करो। जिहड़ी जिहड़ा तुसीं काम करना है दो एक दो दिन जिहड़े दुद्ध चोरे, मैं हुण जिहड़ा काम जिहड़ा कर लगे है हुण कह वोटां पै गईआं, शायद उहनूं पता ही नहीं वोटां पै गईआं। तो हुण तां कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना, जिहड़ी जिन भावें एक दिन दो दिन मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी हुंदी है। देखो मुख्यमंत्री की टीम अपनी पंजाब सरकार की टीम उत्थे होनी चाहिए सी, एक डेलीगेशन उहदे देखिया होना, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पंजाब दे है, एक एडवांस डेलीगेशन ऑफिसर की अपनी जिन्हें नाल दी देश है यूक्रेन के नाल, उत्थे भेजने चाहिए सी अपने लाइजन ऑफिसर्स जिहड़े उत्थे कोआर्डिनेट करन। पर इत्थे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। कांग्रेस सी कांग्रेस हार मन के चुकी, हार चुकी है, तो इस करके उन्होंने इंटरेस्ट ही कोई नहीं रहा। सरकार बनने तो बाद एजुकेशन लैके नवी सरकार, मैं वही कह रहा है साडा मेन एजेंडा एजुकेशन का है, परमात्मा मेहर कर मौका देन। तो जिहड़ा स्कूल एजुकेशन है, सरकारी स्कूल एजुकेशन सिस्टम एडे वड्डे लेवल ते करांगे कि पूरे देश विच एग्जांपल सेट होगा। रूरल डेवलपमेंट ते पंचायत विभाग एक जॉब स्कैम सामने आया जिथे 100 मुलाजमां दी डिग्रियां फेक पाईआं। मैं कह रहा कि पिछली बार जिहड़े अस कांग्रेस सरकार च बहुत वड्डे वड्डे स्कैम होए है, नौकरियां दे भी स्कैम होए है, स्कॉलरशिप दीआं स्कैम होए है, ताइयों तुसी देखिया पंजाब दी जनता ने उन्हां नूं बिल्कुल निकाल दित्ता। बिक्रम जिथे जिहड़ा परचा होया उहदे ते की कहना चाहोगे, क्योंकि कल असीं पहले भी कहा सी बड़ा क्लियर झूठा परचा है, पोलिटिकल वंडेटा का परचा है, असी लीगल बैटल असी लड़ रहे हैं ते लड़ांगे। पूरन भरोसा गुरु रामदास पातशाह जी का, गुरु नानक साहब का, कि इस गुरुआ पीरों की चरण
छोतरती दी सेवा जरूर श्रोमणी अकाली दल जिहड़ी सिरमौर पार्टी पंजाब दी हैगी गुरु साहब कृपा करनगे। ते हमेशा ही दिल्ली तो आईया हुकूमतां ने पंजाब दा नुकसान कीता है, पंथ दा नुकसान कीता है। अज भी जिहड़ी पार्टियां पंजाब दा पानी खोन वास्ते या कह सकदियां कि जिस हुकूमत ने एक समय च गुरु तेग बहादुर साहब दे उत्ते इन्ना वड्डा वार वारिया सीगा, उन्हां दे शहादत दा जाम गुरु साहब ने पीता, वह भी हुकूमत दिल्ली दी सी। ते गुरु साहब दसम पिता ने सरवंश वार्ता इस खालसा पंथी चढ़दी कला वास्ते आ जो दिल्ली दी खोर हुकूमत अज पंजाब च आके साडी अपनी रक्षा करन वाली तलवारा नूं खो के झाड़ू फड़ाना चाहुंदियां ने, ते कल दस्तारा ला के टोपियां पवानगियां। ते मैनूं पूरी उम्मीद है कि ना ही आ साडे गुरु नूं प्रवान होगा ते ना ही साडे लोकां नूं प्रवान होगा। ते मालिक दे चरणां च आही अरदास कि साडी झोली च इस गुरुआं पीरां दी चरण तो चरण छो धरती दी सेवा बख्शन, ताकि वह सेवा करके मालिक दी खुशियां ते लोकां दे दुख तकलीफां नूं दूर करन वास्ते आ साडी पार्टी कर सकदी। चलो जी, थैंक यू वीर, थैंक यू वीर। केजरीवाल रोड खेतर वाल ते कहा गया, पर केजरीवाल रोड कड़ा है यार की चीज नहीं जी। केजरीवाल जिहड़ा हैगा इह पंजाब ते सिख विरोधी ने, अदालत च हलफनामिया दे नाल साडे खिलाफ़ लड़ रहे ने कि साडा पंजाब दा पानी दिल्ली नूं दिता जाए, साडे थर्मल प्लांट बंद किए जाए, साडे किसानां दे उत्ते करोड़ां दे जुर्माने लाए जाए। ते प्रोफेसर दविंदर पाल भुल्लर जी दी फाइल लगातार उन्हां दी रिहाई नूं रोक के, यह बिल्कुल साफ है कि वह सिखां दे खिलाफ़ ने। अज ताईं एक सिख मंत्री नहीं बनाया, किसी बोर्ड का चेयरमैन तक सिख नहीं बनाया, स्कूलों तो पंजाबी दी मानता नूं खत्म करता, पंजाबी दी टीचरां नूं कटता, ये पंजाब विरोधी नहीं है। तो पंजाब हमेती कि सारे फर्जी शैम पोल्स है, जिवें 2017 चे सीगे, आज दिल्ली दे लोकां दे पैसियां दे नाल पूरे पंजाब चे देश चे प्रचार कर रहे ने। हुण वही प्रचार दे चाहते ने कि पंजाब दे पैसियां नाल होर दूजे सूबियां चे करन, बिल्कुल शैम, बिल्कुल गलत। श्रोमणी अकाली दल दी बहुत वड्डी बहुमत दे नाल सरकार बनो। स्टूडेंट आ रहे हैं हर स्टेट का सीएम उनको वेलकम करने के लिए, पर पंजाब स्टेट का सीएम वहां पे कोई उनका सरकारी बंदा बड़े बच्चों में बहुत रोष है, ये अपनी खुद की गाड़ी करके आ रहे हैं। पंजाब में तो पिछले 8-9 महीने से सरकार नाम दी कोई चीज ही नहीं हैगी। बच्चों की की परवाह उन्होंने करनी है? अज भावे चंडीगढ़ के उत्ते केंद्र डाके मार रही है, साढ़े BBMB जे भाकड़ा चे डैम के उत्ते डाके मार रही है, वह किहड़ा फर्ज हैगा जिहड़े इस सरकार ने पिछले 5 साल से अपना फर्ज अदा किया। इन्ना वड्डा किसानी अंदोलन खड़ा हो गया क्योंकि इस सरकार ने पैरवाई नहीं की। सो भावें चन्नी होए, भावें कैप्टन होए, भावें सिद्धू होए, इन्हों कुर्सी तो ही इन्हों की सोच सीमित है, लोगों तक कदों इन्हों की सोच सीमित।